हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोमल सॉल्यूशन। आज ये हमारे पास आईफोन 11 आया हुआ है जो डिस्प्ले चेंज के लिए आया। तो आपको जैसा कि पता होगा कि आईफोन में जब डिस्प्ले चेंज होता है तो ये डिस्प्ले एरर का मैसेज देता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट डिस्प्ले मैसेज, ये देखिए अनेबल टू डिटरमाइन इफ़ योर आईफोन डिस्प्ले इज़ अ जेन्युइन एप्पल पार्ट। तो यहाँ पे एरर का मैसेज देगा जबकि ये डिस्प्ले ओरिजिनल ही है, ये मार्केट से लिया हुआ डिस्प्ले है। तो आईफोन में ये एरर का मैसेज देता ही, आप चाहे बैटरी चेंज करें, डिस्प्ले चेंज करें, आप अगर ओरिजिनल सेट से भी निकाल के लगा देंगे तो भी जो है कि आपका डिस्प्ले और बैटरी का एरर मैसेज देगा। तो जैसा कि देखिए ये इसका पुराना वाला डिस्प्ले है और ये जो डिस्प्ले अभी लगा हुआ है ये भी ओरिजिनल डिस्प्ले ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले एरर का मैसेज दे रहा है। तो इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए देखते हैं हम लोग। देखिए इंपॉर्टेंट डिस्प्ले मैसेज यहाँ पे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं इस वीडियो में हम लोग। तो देखिए इसमें सबसे पहले इस पत्ते को उठाएंगे पुराने वाले डिस्प्ले के और इसका जो आईसी है उस आईसी को निकालेंगे और इसी आईसी को चेंज करेंगे नए वाले डिस्प्ले में। इसी आईसी को चेंज करने से हमारा ये डिस्प्ले एरर का मैसेज हट जाएगा। तो देखिए अभी पहले इसको फ्री किया जा रहा है, पत्ता निकालने के बाद इसका आईसी निकालेंगे हम लोग। ये पेस्टेड आईसी होता है तो सबसे पहले इसका पेस्ट रिमूव किया जा रहा है, पेस्ट कट किया जाएगा। पेस्ट करने कट करने के बाद आईसी को निकाला जाएगा। ये इसका ग्लू कट किया जा रहा है। ये देखिए हमारा आईसी बाहर आ गया है। अब इसके बाद आईसी का ग्लू को क्लीन किया जाएगा। इसमें फ्लक्स पेस्ट लगाया जा रहा है और ये आयरन के थ्रू जो है आईसी को क्लीन किया जा रहा है। ये पेस्टेड आईसी होता है जिसमें ग्लू लगा होता है, ब्लैक ग्लू, तो इसी को रिमूव किया जा रहा है अभी आयरन की मदद से। और ये लगभग लगभग हमारा आईसी क्लीन हो चुका है। अब इसको डिसोल्डर वायर की मदद से साफ किया जाएगा। ये देखिए पेस्ट लगा के डिसोल्डर वायर से इसको क्लीन किया जा रहा है। ब्रश में थिनर लगा के अब आईसी को मार के इसको साफ किया जा रहा है। और अब अभी भी आईसी में कुछ कुछ पेस्ट लगा हुआ है तो इस ब्लेड से इसको साफ किया जा रहा है। तो हमारा आईसी अब क्लीन हो चुका है। तो अब इस आईसी को रिवॉल्व करना है, तो देखिए इसको स्टेंसिल की मदद से रिवॉल्व करेंगे हम लोग। ये आ गया आईसी के ऊपर हमारा स्टेंसिल जो कि अभी आईसी के बॉल्स को निकालेगा। यहाँ पे लग गया पीपीडी पेस्ट। अब इस पे हीट मारा जाएगा और ये देखिए हीट मारने के बाद हमारा बॉल अभी निकलेगा। ये देखिए बॉल बनना शुरू हो चुका है और ये हमारा बॉल बन गया। अब स्टेंसिल हटा के देखा जाए तो देखिए हमारे आईसी का बॉल बन चुका है। अब इसको बॉल को थोड़ा बराबर करने के लिए पेस्ट देखिए फिर से हीट किया जा रहा है। तो ये देखिए ये हो गया। आईसी के साइड में जो थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था उसको क्लीन कर रहे हैं अभी।
अब देखिए ये डिस्प्ले जो है ये नया वाला ओरिजिनल डिस्प्ले है, तो इसको ऑफ़ करके फ़ोन से निकाला जाएगा। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर रिमूव होगा, उसके बाद ये डिस्प्ले कनेक्टर है ये रिमूव हुआ, ये आ गया। अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है यहाँ से, इस डिस्प्ले से आईसी को निकालना और इसको लगाना, मेन चीज़ यही है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा रिस्की होता है, जिसमें डिस्प्ले डैमेज होने का भी जो है कि रिस्क बना रहता है। तो ये देखिए यहाँ से अभी पत्ता को उठाया जा रहा है, तो ये देखिए ये पत्ता उखड़ गया है और अब इसके ऊपर इस ये जो आईसी लगा हुआ है इसको निकाला जाएगा और उस पर नया आईसी बिठाया जाएगा फिर से। अब ये हमारा जो ओरिजिनल डिस्प्ले न्यू वाला है इसके आईसी का पेस्ट रिमूव किया जा रहा है। इसका ग्लू कट गया है और अब ये SMD की मदद से इस आईसी को निकाला जा रहा है। ये देखिए आईसी बाहर आ चुका है, इसको देखिए ये आईसी बाहर आ चुका है पूरी अच्छी तरीके से, यहाँ कोई प्रिंट डैमेज भी नहीं हुआ है, ना ही ये पत्ता ख़राब हुआ है, प्रॉपर ये आईसी बाहर आ चुका है। अब यहाँ के पेस्ट को क्लीन किया जाएगा। देखिए ये हमारा हो चुका है रिमूव और क्लीन, अब इस पर नया आईसी बिठाएंगे। ये हमारे पत्ते में भी जो बाकी का पेस्ट लगा हुआ था उसको क्लीन किया जा रहा है और डिशोल्डर वायर से बॉल्स को क्लीन किया जा रहा है, ताकि हमारा जो नया वाला आईसी है वो प्रॉपर बैठ सके। पुराना वाला, वो जो पुराने डिस्प्ले का आईसी है, सॉरी पुराने डिस्प्ले का जो आईसी है ओरिजिनल, वो इस डिस्प्ले में बैठे।
तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा। अब इस पर आईसी इंस्टॉल किया जाएगा, तो अब स्टार्ट होगा हमारा इंस्टॉल प्रोसेस। ये देखिए अब आईसी को बिठाया जा रहा है। अब इस पे पेस्ट लगा के इसको हीट किया जाएगा ताकि ये प्रॉपर अपना जगह ले ले और अच्छे तरीके से आईसी हमारा सोल्ड हो जाए। तो ये हमारा आईसी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग इसको क्लीन करेंगे और देखेंगे कि फ़ोन को, तो इसको अभी क्लीन किया जा रहा है। क्लीन करने के बाद इसको हम लोग फ़ोन में लगाएंगे और लगा के देखेंगे हमारा डिस्प्ले एरर मैसेज हटा या नहीं। ठीक है भाई, ये देखते हैं। अभी डिस्प्ले कनेक्टर बिठाया जा रहा है। और बैटरी कनेक्टर भी लग गया। अब फ़ोन को ऑन करेंगे हम लोग। तो देखिए ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। और अब इसका पासवर्ड डाल के हम लोग चेक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और देखेंगे। तो ये हमारा डिस्प्ले एरर मैसेज हट चुका है। तो ये हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। तो डिस्प्ले हट चुका है एरर मैसेज। देखिए अब यहाँ पे आपके सेटिंग में आ जाइए, देखिए कोई मैसेज नहीं देगा। तो इस तरीके से इस डिस्प्ले आईसी को चेंज करके हम ट्रूटोन भी इसका काम करेगा। इसका सेंसर लगने के बाद, फेस आईडी सेंसर लगने के बाद इसका ट्रूटोन आएगा। इसमें इस आईसी को बदलने के बाद आपका ट्रूटोन और आपका एरर मैसेज सब हट जाएगा। ये आपका अब प्रॉपर वैसा हो गया जैसे नए में था। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम लोग इसके फेस आईडी और स्पीकर को निकाल के इसमें लगाएंगे और प्रॉपर से इसको फिर से पैक करेंगे और फिर पैक करके देखते हैं।
तो देखिए ये हमारा सेट पैक हो चुका है। अब इसको हम लोग फाइनली एक बार चेक कर लें। तो ये रहा हमारा फ़ोन और इसमें ये देखिए हमारा डिस्प्ले मैसेज हट चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका ट्रू टोन देख लिया जाए, देखिए इसका ट्रू टोन भी आ चुका है। तो ये हमारा कंप्लीट है। इस तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।